Hello everyone, welcome to Learning Science. आज का टॉपिक है काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन। तो सबसे पहले जो काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन है उसमें जो आर रेडिकल है उसको जब हम मोनोमर एम वन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा आर एम वन रेडिकल। ये जो रेडिकल है वो मोनोमर पे आ जाएगा। एंड उसी तरीके से अगर हम आर रेडिकल को मोनोमर एम टू के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलेगा आर एम टू रेडिकल। रेडिकल जो है वो मोनोमर पे ट्रांसफ़र हो गया है। फोर चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को ध्यान में रखते हुए हम जो है चार चेन प्रोपेगेशन रिएक्शन लिख सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है एम वन रेडिकल को दोनों जो मोनोमर्स है उसके साथ रिएक्ट कराना है। तो पहले हम एम वन रेडिकल को एम वन मोनोमर के साथ रिएक्ट कराएंगे। यहाँ पे रेट कांस्टेंट के वन वन आ जाएगा, पहले रेडिकल का वन फिर मोनोमर का वन, और हमें प्रोडक्ट में मिलेगा एम वन एम वन रेडिकल। रेडिकल जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है यहाँ पे जैसे ऊपर हुआ था। तो इस रिएक्शन का जो ऊपर रिएक्शन दिया है उसका रेट क्या आएगा? इस रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर आता है के वन वन जो कि रेट कांस्टेंट है इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस। एम वन रेडिकल का अगर हमें कंसंट्रेशन लिखना है तो एम वन रेडिकल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, और एम वन मोनोमर का कंसंट्रेशन लिखना है तो एम वन मोनोमर को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद जो है हम M1 रेडिकल को M2 मोनोमर के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट आएगा K1 2, 1 जो है वो रेडिकल का है, 2 जो है वो मोनोमर का है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो उससे हमें मिलेगा प्रोडक्ट M1 M2 रेडिकल। यहाँ पे रेडिकल जो है वो M2 पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस रिएक्शन का रेट आता है, रेट इज इक्वल टू K1 2 M1 रेडिकल, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। M1 रेडिकल है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर M2 उसको भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद करते हैं M2 रेडिकल का रिएक्शन मोनोमर M1 के साथ, रेड कांस्टेंट लिखेंगे K21, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा M2 M1 रेडिकल। यहाँ पे जो रेडिकल है वो मोनोमर पे आ जाएगा, और रेट जो है वो बराबर होगा K21 रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंस। M2 रेडिकल का कंसंट्रेशन और M1 मोनोमर का कंसंट्रेशन। फिर हमें M2 रेडिकल को M2 मोनोमर के साथ रिएक्ट कराना है। रेट कांस्टेंट आएगा K22, प्रोडक्ट में मिलेगा M2 M2 रेडिकल, रेडिकल जो है वो ट्रांसफ़र होगा, और इस रिएक्शन का जो रेट है वो आता है K22 रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन M2 रेडिकल का कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है हो जाएगा कंसंट्रेशन, और M2 मोनोमर का कंसंट्रेशन जो है वो हमें लिखना है। जो चार प्रोपेगेशन रिएक्शन है वो हमें मिल गया है 1, 2, 3, 4, और उनके जो रेट है वो भी हमने निकाला है। फिर हमें निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर M1। जो ऊपर जो चार रिएक्शन किया था उसमें वो वाले रिएक्शन लेना है जिसमें मोनोमर M1 डिसअपीयर होता है। इस रिएक्शन में मोनोमर M1 डिसअपीयर होता है, और ये जो रिएक्शन नंबर थर्ड है उसमें मोनोमर M1 डिसअपीयर होता है। जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर M1 है उसको हम डिनोट करते हैं माइनस डी एम वन डिवाइडेड बाय डी टी से। यहाँ पे माइनस का मतलब है डिसअपीयरेंस, M1 का मतलब है मोनोमर का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे जो है में वो रिएक्शन जिसमें मोनोमर M1 डिसअपीयर हुआ है उसके रेट को सम करके लिखना है, यानी कि ये वाला रेट और ये वाला जो रेट है उन दोनों को सम करके लिखना है। यहाँ पे लिखा है K11 M1 रेडिकल कंसंट्रेशन M1 प्लस K21 M2 रेडिकल का कंसंट्रेशन M1 मोनोमर का कंसंट्रेशन, तो वो है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ M1।
फिर उसके बाद लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर M2। तो ऊपर जो चार रिएक्शन दिया है उसमें से वो वाला रिएक्शन लेना है जिसमें मोनोमर M2 डिसअपीयर होता है। ये जो सेकंड नंबर वाला रिएक्शन है उसमें मोनोमर M2 डिसअपीयर होता है, और ये जो फोर्थ वाला रिएक्शन है उसमें मोनोमर M2 डिसअपीयर होता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ मोनोमर M2, जिसको हम माइनस DM2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय DT से डिनोट करते हैं, और माइनस का मतलब है डिसअपीयरेंस, वो बराबर आएगा ये दोनों रेट के सम के बराबर। तो हम लिखेंगे K12 M1 रेडिकल कंसंट्रेशन, M2 मोनोमर कंसंट्रेशन, K22 M2 रेडिकल कंसंट्रेशन, M2 मोनोमर कंसंट्रेशन। फिर उसके बाद हमें अप्लाई करना है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन के मुताबिक जो रेट है सेकंड नंबर रिएक्शन और थर्ड नंबर रिएक्शन के, वो दोनों इक्वल होता है। तो उस बेसिस पर K12 ये जो रिएक्शन है उसका रेट और ये जो रिएक्शन है उसका रेट बराबर आएगा। K12 M1 रेडिकल M2 इज इक्वल टू K21 M2 रेडिकल M1 का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों बराबर आएगा। तो वो हमारा बन जाता है इक्वेशन नंबर थर्ड। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ M1 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ M2 है इक्वेशन नंबर सेकंड, और स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन जो है वो है इक्वेशन नंबर थर्ड। फिर उसके बाद आता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ M1 डिवाइडेड बाय M2 इज गिवन बाय, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है मोनोमर M1 डिवाइडेड बाय M2, M1 मोनोमर और M2 मोनोमर के फ्रैक्शन का जो डिसअपीयरेंस है वो बराबर आता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जिसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला पोर्शन, और जो राइट साइड है उन दोनों को भी हमें डिवाइड करना है, इसको और इसको इज इक्वल टू लगा के, तो हमें मिलेगा ये वाला पोर्शन। हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ऊपर भी DT है, नीचे भी DT है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और माइनस साइन जो है वो भी कैंसिल होगा, तो बचेगा ऊपर दिया है राइट साइड के DM1 कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय DM2, और जो राइट वाला साइड है वो वैसे ही हम लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड को कंसिडर करना है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड है जो कि है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, जिसकी वजह से जो रेट है दो इक्वेशन के वो सेम आता था। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को यूज़ करके यहाँ पे ये जो चीज़ है और यहाँ पे ये जो चीज़ है वो दोनों इक्वल आता है, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों को इंटरचेंज करने के बाद हमें जो है ये इक्वेशन मिलेगा, एंड ऊपर वाले इक्वेशन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो M1 रेडिकल का कंसंट्रेशन है वो कॉमन है। तो M1 रेडिकल का कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और जो चीज़ बचता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल लेंगे, और नीचे जो है वो M2 रेडिकल का जो कंसंट्रेशन है वो कॉमन आता है, तो M2 रेडिकल को हम नीचे लिखेंगे, और उसके बाद जो बचता है उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, और वो हो जाता है हमारा इक्वेशन नंबर फोर। फिर उसके बाद हमें इक्वेशन नंबर थर्ड को फिर से कंसिडर करना है, स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन को फिर से कंसिडर करना है। इस इक्वेशन में जब हम चेंजेस करेंगे, M1 रेडिकल डिवाइडेड बाय M2 रखेंगे और बाकी जो चीज़ें बचता है उसको उस वाले साइड पे ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा ये इक्वेशन। M1 रेडिकल डिवाइडेड बाय M2 रेडिकल का जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है उसको यहाँ पे M1 रेडिकल डिवाइडेड बाय M2 रेडिकल जो है उसके जगह पे पुट करना है। तो पुट करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, वी गेट इक्वेशन नंबर फोर में इस वैल्यू को पुट करने के बाद हमें मिलता है ये वाला चीज़। यहाँ पे M1 रेडिकल के जगह पे M1 डिवाइडेड बाय M2 रेडिकल के जगह पे हमने ये वाला पोर्शन जो है वो पुट किया है, बाकी जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो सेम है। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है
उसमें से कॉमन निकालना है K12। सिंस यहाँ पे सिर्फ K11 है तो नीचे आ जाएगा K12 डिवीजन में, क्योंकि K12 है ही नहीं, और यहाँ पे K12 जो है वो कॉमन बाहर निकल गया है, तो बचा है सिर्फ M2 का कंसंट्रेशन। और नीचे हमें कॉमन निकालना है K21 को इस वाले कर्ली ब्रैकेट में से, तो यहाँ पे K21 बाहर निकला है तो खाली है, और यहाँ पे K22 के नीचे हमें लिखना है K21, क्योंकि यहाँ पे कोई भी K21 नहीं है। फिर उसके बाद जो चीज़ें कट होती है, जैसे कि यहाँ पे K21 और यहाँ पे K21 है वो कट होता है, और यहाँ पे K12 यहाँ पे K12 है वो दोनों भी कट होता है, और जो चीज़ें बचती है उसको हमें लिखना है नीचे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे K11 डिवाइडेड बाय K12 के जगह पे लिखना है R1, और यहाँ पे K22 डिवाइडेड बाय K21 के जगह पे लिखना है R2। R1 और R2 जो है वो रिएक्टिविटी रेशियोज है, और यहाँ पे हमें पता है DM1 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय DM2 का कंसेंट्रेशन है इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन जो है वो हमें मिल जाता है, इक्वेशन को कहते हैं कोपॉलीमराइजेशन इक्वेशन। इस कोपॉलीमराइजेशन इक्वेशन के थ्रू हम जो है कंपोजिशन का पता कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इस इक्वेशन में कोई भी रेडिकल जो है वो नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है उससे हमें कंपोजिशन का पता चलता है without using radical concentration। फिर उसके बाद आता है types of copolymerization जो कि kinetics का significance है। Let us take the reactivity ratios product of monomers। सबसे पहले जो है हम monomers के जो reactivity ratios है उसका product लेते हैं, R1 into R2 लेते हैं। हमने जो है काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन में R1 को कंसिडर किया था K11 डिवाइडेड बाई K12, और R2 को कंसिडर किया था K22 डिवाइडेड बाई K21। तो R1 into R2 बराबर आता है K11 K22 डिवाइडेड बाई K12 K21। डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस प्रोडक्ट इज लेस ग्रेटर और इक्वल टू यूनिटी को पॉलीमर्स आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स। और ये जो प्रोडक्ट है R1 into R2 वो 1 के बराबर है, 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, उस बेसिस पर को पॉलीमर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है आइडियल को पॉलीमराइजेशन, आइडियल को पॉलीमर्स। हियर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिविटी रेशियोज इज इक्वल टू यूनिटी। और आइडियल को पॉलीमराइजेशन में जो प्रोडक्ट है R1 into R2 है वो यूनिटी के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। फिर उसके बाद आता है अल्टरनेटिंग को पॉलीमराइजेशन। हियर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिविटी रेशियोज इज इक्वल टू 0, दैट इज R1 into R2 इज इक्वल टू 0। और जो अल्टरनेटिंग को पॉलीमराइजेशन है या जो अल्टरनेटिंग को पॉलीमर्स है उसकी केस में जो रिएक्टिविटी रेशियोज का प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर आता है। ब्लॉक को पॉलीमराइजेशन, हियर द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टिविटी रेशियोज इज ग्रेटर देन 1। और जो ब्लॉक को पॉलीमराइजेशन है या जो ब्लॉक को पॉलीमर्स है उसमें जो रिएक्टिविटी रेशियोज का प्रोडक्ट है R1 into R2 जो है वो ग्रेटर देन 1 होता है। अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पे नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है।